हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करिए। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्या आपके पार्टनर्स को अपनी गलती का एहसास है? बहुत सारे लोग मुझे ये लिख के गए हैं कमेंट में कि मैम, मेरे पार्टनर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है, किसी ने मुझसे इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए बोला था तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स को अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं जो उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई इंसान गलत करे और फिर उसको रियलाइज भी ना करे। ठीक है, सो देखते हैं कार्ड्स किस तरीके से निकल कर आते हैं कि उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास है या नहीं, जो भी आपके पर्सन रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज एंजल्स, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनकी गलती का एहसास है? पहला कार्ड क्या बोलता है गाइस, बताइए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनकी गलती का एहसास है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनकी गलती का एहसास है? काफी सारे कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एक दो तीन चार मेजर अरकाना, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ये पहले भी आने की कोशिश कर रहा था और ये भी पहले आने की कोशिश कर रहा था और ये दोबारा निकल भी आया। ये आ रहा है, ये भी पहले आने की कोशिश कर रहा था गाइस, ये भी निकल आया। और कौन सा है, नाइट ऑफ कप्स। चलिए, ये तीनों कार्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फूल एंड पेज ऑफ कप्स, ये पहले भी आने की कोशिश कर रहे थे, यहां से आया है टेन ऑफ वैंड्स। क्या चल रहा है, क्या आपके पार्टनर्स को उनकी गलती का एहसास है? ठीक है, तो हम करंट सिचुएशंस देखते हैं और करंट सिचुएशन से हमें पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए, आपके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन आखिर है क्या? जिन जिन के लोगों के भी पार्टनर्स, जो भी ये सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर्स का क्या हाल है, उनके बिना जो भी ऐसे हैं बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, या फिर अगर कॉन्टेक्ट में भी हैं तो भी क्या चल रहा है, कुछ बता नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके साथ चीटिंग करके या फ्रॉड करके या फिर किसी और की बात मानकर आपको छोड़ देने की वजह से भी इनको अपनी गलती पर पछतावा है, इनको अपनी गलती का एहसास है। तो हम करंट सिचुएशन देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या निकलता है। देखिए, यहां पर निकल कर आया है टावर। तो पहला ही कार्ड बता रहा है गाइस कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में राइट नाउ टावर मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर्स की लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स की लाइफ में वो सारी चीजें हो रही हैं जो कभी कहीं गलत हुआ करती थी और आपके पार्टनर्स उनको कभी सुधारना नहीं चाहते थे। ठीक है, जो आपके पार्टनर्स को मालूम था कि उनको जरूरत है सुधारने की, पर वो सुधारना नहीं चाहते थे। सो यहां पर पहला ही कार्ड टावर का निकल कर आया है, जो दिखा रहा है कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं अब जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस इनको दी जा रही हैं, जो इनको पसंद नहीं आएंगी। ठीक है, इनका जो भी बना बनाया, इन्हें खुद ने बनाया था कोई भी चीज, खुद भी कोई रूल्स,
लाइफ के कुछ पैटर्न्स वो सब के सब ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ठीक है, सो ब्रेक थ्रू आपके पार्टनर्स की लाइफ में है इस टाइम। इसके अलावा सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर काफी ज्यादा एनर्जीज में है, काफी दुखी, काफी प्लानिंग करते हुए, काफी डिले फेस करते हुए चीजों में। अब इस समय ऐसा है कि गाइस टावर चल रहा है, तो चीजें भी अच्छी हो सकता है ना चल रही हो इनकी लाइफ में, तो ये भी यहाँ पर निकल कर आया है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और जस्ट आया है टू ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो इस प्यारे कपल को, इस सोलमेट से कनेक्शन को बनने नहीं देना चाहता, जो आप दोनों के कप्स के बीच में ये तलवार को बार बार डाल देता है। तो आप देखिए गाइज आप लोगों की लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है, जिन जिन की लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड जो जो हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किसी किसी की लाइफ में तो शायद मदर है, कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है, बहन है, भाभी है, और कुछ लोग के कनेक्शन में उन्हीं की वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। ठीक है, जो भी हो गाइस क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं आप लोगों के कनेक्शन में, जो आपके प्यार पे जिनकी पूरी नजर है, जो इस कनेक्शन को बनने नहीं देना चाहती, लेकिन क्या ही करेंगी, जब डिवाइन की ब्लेसिंग साथ होती है तो ये क्या करेंगी, कुछ नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर डिवाइन भी प्रेजेंट है, टू ऑफ कप्स निकल कर आए, सो आपके पार्टनर्स राइट नाउ आपसे इक्वल लव करते हैं। जो फीलिंग्स आपके मन में अपने पार्टनर्स के लिए है, वही सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर्स के मन में आपके लिए भी है गाइस, मैं बता दूं क्लियरली। ठीक है, लेकिन इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी किसी की नजर लगी हुई है, एंड वो है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उसके अलावा आपके पार्टनर्स मुझे इस समय इस इन एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं जहां पर वो सिर्फ खुद को तलाश रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ अवेकनिंग, अवेकनिंग में है गाइज राइट नाउ आपके पार्टनर्स। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, एक तो टावर ऊपर से हरमेट, ये दोनों ही बड़े बड़े कार्ड्स हैं। ठीक है, सो जो कि दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर्स की अवेकनिंग चल रही है इस टाइम, ये खुद की तलाश में निकले हैं डिवाइन की मदद से, डिवाइन इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन ही इनको गाइड कर रहे हैं आगे सारी चीजों के लिए। सो हरमिट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को इस तरीके से भी दिखा रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, ये इंसान खुद से ही बातें करते हैं सारा दिन, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की कमियों को रियलाइज करते हैं। नाइन ऑफ कप्स भी निकल कर आया है आप ही के पार्टनर्स की एनर्जीज में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को जो उनकी विशेस हैं वो नहीं मिल रही हैं, इसलिए भी आपके पार्टनर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि टावर से डील कर रहे हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में विशेस आप हो गाइज अपने पार्टनर्स की, तो कहीं ना कहीं ये निकले हुए हैं अभी खुद को तलाश करने के लिए, और इन्होंने होप बना के रखी हुई है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं नाइन ऑफ कप्स निकल कर आया, सो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर्स की विशेस को पूरा करते हो, आपके पार्टनर्स की विशेस यही है, ये जो कप आपके प्यार का है ना, वही इनकी विश में जब ऐड होता है तभी इनकी कंप्लीट विशेस बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पार्टनर्स की लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, जो इतनी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर हैं, जिनकी बड़ी चलती है घर में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जिनकी बहुत ज्यादा चलती है, जिनकी वजह से भी आपके पार्टनर्स को मतलब कंट्रोलिंग पर्सन है कोई, एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है और हेरोफेंट भी आया है, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके पार्टनर्स पर कोई हुकूमत चलाने वाला इंसान यहाँ मौजूद है। ठीक है, इनके फादर हो सकते हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स में ऐसी कोई इंसान हो सकता है, मामा मौसी चाचा चाची कोई भी हो सकता है गाइस, भैया भाई बड़ा भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो जो कि आपके पार्टनर्स को उनकी चलाने पर मतलब उनको आपके पार्टनर्स को कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रहा है, कोई तो है कंट्रोलिंग पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपके पार्टनर से बड़ा है और जो आपके पार्टनर्स को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से रोकता है। सो हमारी रीडिंग ये थी कि क्या आपके पार्टनर्स को आपके प्यार का एहसास है। कहीं जब यहाँ पर टू ऑफ कप्स निकल कर आया है ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइए कि इंसान आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। इसके अलावा आपके पार्टनर को एहसास क्यों नहीं होगा, अभी मैं आपको रीडिंग में बताती हूँ। टावर हर्मिट जैसे कार्ड निकल कर आए हैं, सो इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनफैक्ट इन पर कोई ऐसा प्रेशर है जो इनको काफी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग इनके अराउंड हैं। फूल दिखा रहे गाइस कि आपके पार्टनर्स को ऐसे जीना है, फूल की तरह बिंदास मस्ती में, किसी कोई इनको कंट्रोल ना करे, इनको जब जो करना हो ये करें, काफी मस्त मौला फ्री इंसान, अपनी सोच से मतलब इस तरीके की न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं जहां पर ये अपने हिसाब से जिंदगी को जिए, लेकिन इनके ऊपर कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जो इनको इस एनर्जी में आने के लिए रोकता है, जो इनको समाज के सोसाइटी के ठीक है लेसन को पढ़ाता है। ठीक है, ये उनके खुद के भी ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो इस टावर में ब्रेक होंगे गाइस, इस जो टावर आपके पार्टनर्स की लाइफ में चल रहा है इसमें ये सारे पैटर्न्स
कहीं ना कहीं मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये टावर आता ही इसलिए और अवेकनिंग होती ही इसलिए कि आप अपनी रियलिटी को पहचानें कि आप इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। ठीक है, और आपका आपको क्लैरिटी मिले बेसिकली। ठीक है, आप अगर इस तरीके से जी रहे हो कि समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, ठीक है, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि इन सबसे ऊपर भी जो दुनिया है वो डिवाइन की दुनिया है। और हो सकता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो जो आपको कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे कंट्रोलिंग लोगों से लड़ने की जरूरत है। और वो तब हो पाएगा जब डिवाइन आपको अवेकन करेगी, फुली अवेकन जब आप हो जाओगे तब आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि कोई आपको क्या बोल रहा है, ना आपको गुस्सा आएगा। मतलब आप ऐसे हो जाओगे कि आप इग्नोर करना सीख जाओगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है तो अभी भी कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग में थोड़ी कमी है, मतलब आप फुली अवेकन नहीं हो। जो फुली अवेकन पर्सन होता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उसको सबसे पहले इसी चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके पार्टनर्स को अवेकन किया जा रहा है और उनकी लाइफ में इस तरीके के ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं इस समय। तो मुझे बताइए गाइस, कौन है आपके पार्टनर्स की लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट, मतलब ये कंट्रोलिंग पर्सन। पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर्स आपको ये ऑफर देना तो चाहते हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, यही आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स में है, लेकिन ये बहुत स्लो है। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा स्लो है। सो आते आते काफी स्लो है, और यहां से डेविल विथ नाइट ऑफ कप्स आया जो क्लियरली दिखा रहा है कि ये प्यार भरा कप लेकर आपकी तरफ चलने को रेडी हो, तो इनको रोकने वाला कोई डेविल है प्रेजेंट यहाँ पर। ठीक है, तो डेविल की नजर आप दोनों के प्यार को है। देखिए, ये दो लवर्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो लवर्स हैं, इस पर डेविल बैठा हुआ है, इनके प्यार को बांधे, इनको बांधे हुए। ठीक है, सो मैं बता दूं कि आप लोग के कनेक्शन में नेगेटिविटी प्रेजेंट है अभी, डेविल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है इस कनेक्शन से। ठीक है, और आपके पार्टनर जब अवेकन हो जाएंगे, ठीक है, और जब ये टावर मूवमेंट से डील कर लेंगे, तो गाइज मैं बता दूं ये डिवाइन लव है जिसके साथ भी आपका है। तो अगर आप नहीं भुला पा रहे हो अगर उस इंसान को, तो वो भी आपको नहीं भुला सकता, वो रिटर्न आएगा आपके पास, इस डेविल से लड़कर आपके पास रिटर्न आएगा। जो भी है, अपनी विशेस आप ही को मानता है वो। राइट नाउ उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हाँ, आपके पार्टनर्स को एहसास है इस बात का, ऑफ कोर्स एहसास होगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है जो भुलाए नहीं भूलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी भाग लो, मजबूरियों में भाग लो, किसी और पर्सन के लिए भाग लो, लेकिन आप इस कनेक्शन से नहीं भाग सकते, इस कनेक्शन को आप भुला नहीं सकते, ये एक ऐसा कनेक्शन है। सो कहीं ना कहीं मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं पर दे देती हूँ कि यस, आपके पार्टनर्स को उनकी गलती का एहसास है, क्योंकि वो जाते जाते तो चले गए, लेकिन जाने के बाद उनकी स्थिति देखिए कि क्या है। टावर, अवेकनिंग, द हर्मिट, डेविल, ये इनकी स्थिति है इस टाइम। और इधर से टेन ऑफ वैंड्स भी है, सो कहीं ना कहीं प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, बोझ है बहुत ज्यादा। ये बोझ इनकी फैमिली का हो सकता है, समाज का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है ये अपनी लाइफ में ऐसे इंसान है जो अकेला कमाता है, ठीक है, और सारे घर को देखता है। सो इस तरीके की भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपके पार्टनर्स के साथ, तो बर्डन भी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर्स की लाइफ में है। तो मैं क्लियरली बता दूं कि आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी है इस समय, कोई है जो आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन देख नहीं सकता, जेलस फील करता है, और वो जो भी है मैंने बता दिया कि वो कौन है। तो आप अपने स्तर से बताइएगा मुझे कि कौन है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मुझे भी जानना है ये जो कोई भी है कि क्यों आपके पार्टनर्स इस तरह से करते हैं, प्यार होते हुए भी दूर चले जाते हैं और फिर इस तरीके से पछताते भी हैं, क्योंकि गलती का एहसास तो 100% है, क्योंकि ये पर्सन फ्री जीना चाहता है जो नहीं जी पा रहा है किसी कंट्रोलिंग पर्सन की वजह से। अब हम दूसरे डेक से चेक करेंगे सेम एनर्जी कौन सी रिपीट होती है, कोई रिपीट होती है या नहीं। बॉटम में देखिए क्या है, स्पिरिचुअल यूनियन, ये कार्ड आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअल यूनियन। फिर से बॉटम में वही है। चलिए प्लीज एंजल्स बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनकी गलती का एहसास है। यूनिवर्स खुद आए हैं, लाइट, ओके, okay.
रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, हार्टेक एंड लॉस, डबल थ्री, टू प्लस वन भी थ्री, स्टैंड योर ग्राउंड, थ्रॉट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, चूज वाइजली, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और यहां से अगेन टावर आया है, यहां से अगेन डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। बेसिकली ये तो तय हो गया गाइस कि टावर तो चल रहा है, ये तो तय हो गया क्योंकि सेम डेक, दूसरे डेक से सेम एनर्जी निकल कर आई, सो टावर का कार्ड निकल कर आया। सो ये तो क्लियर हो गया कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में राइट नाउ टावर तो चल रहा है, ठीक है, जो भी डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं। इसके अलावा इनको फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही थी सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, जो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपके पार्टनर्स के काम इस टाइम बन नहीं रहे हैं, बहुत रुक रुक के इनकी गाड़ी चल रही है। अब अगर बहुत स्पीड से भागा करते थे तो अब बड़े स्लो स्लो जा रहे हैं ये। इसके अलावा स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, सो आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुद का ही स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इतने कंट्रोलिंग इनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या जिस भी स्टक सिचुएशन में ये हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, वहां पर ये इतने ज्यादा स्टक हैं कि ये खुद का ही स्टैंड नहीं ले पाते हैं, ये खुद को ही नहीं इस समय प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ये आपको क्या प्रोटेक्ट करेंगे, ये खुद का ही नहीं स्टैंड ले पाते गाइस। इनको सबसे पहले जरूरत है अपनी लाइफ में खुद का स्टैंड लेने की। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो अपनी मर्जी से ये करना चाहते हैं पर इनको नहीं करने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको जरूरत है अपनी लाइफ में खुद का स्टैंड लेने की, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में लेंगे अपना स्टैंड, क्योंकि कार्ड निकल कर आया, कुछ लोग के पार्टनर्स हो सकता ले भी रहे हो, जैसे जैसे अवेकन हो रहे हैं वैसे वैसे अपना स्टैंड ले रहे हो। यूनिवर्स भी निकल कर आए हैं, सो आपके यूनिवर्स जो है वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर्स का थ्रॉट चक्रा ओपन कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर्स आपसे बात नहीं कर रहे तो यूनिवर्स इनका थ्रॉट चक्रा ओपन कर रहे हैं ताकि आपके पार्टनर्स आपसे बात करें, ठीक है। अगला कार्ड निकल कर है लाइट एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, सो आपके पार्टनर्स का सोलर प्लेक्सस चक्रा इस समय हील हो रहा है और उस पर काम चल रहा है। हार्ट चक्रा भी निकल कर आया है, हार्ट चक्रा पर भी काम चल रहा है, और आपके पार्टनर्स को अभी भी होप है कि उनकी लाइफ में लाइट आएगी बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत इतनी तकलीफ होने के बाद भी इस पर्सन ने बनाई हुई है पूरी होप कि लाइट आएगी इनकी लाइफ में, रोशनी की तरफ ये देख रहे हैं। आपके पार्टनर्स को समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सी डायरेक्शन चूज करूं जहां पर सेलिब्रेशन मिले, जहां खुशी मिले, जहां पर मस्ती मिले, मजा मिले, ठीक है। इनकी लाइफ में भरपूर ऑप्शन है लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से डायरेक्शन में चूज करूं कि ये थ्री ऑफ कप्स मिले इन्हें, यानी इनको इनकी लाइफ में इनको सेलिब्रेशन मिले, एंजॉयमेंट मिले, तो ये चूज नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर्स इस समय। और यहाँ पर हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, सो आपके पार्टनर्स का दिल टूटा हुआ है पूरी तरीके से। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर्स का दिल तोड़ा है, और आपके पार्टनर्स न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर्स न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं चाहते इस थर्ड पार्टी के साथ रहना। सो जैसे ही आपके पार्टनर्स की लाइफ से ये टावर खत्म होगा, थर्ड पार्टी रिलीज होगी आपके कनेक्शन के बीच में से, और आपके पार्टनर्स आप ही की तरफ रिटर्न आएंगे, यही प्लानिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं गाइज ऐसा है कि हम अगर प्रेजेंट की एनर्जीज की बात करें, सो आपके पार्टनर स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रॉट चक्रा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिब्रेशन को फाइंड कर रहे हैं, कहाँ कौन से डायरेक्शन में सेलिब्रेशन मिलेगा। थर्ड पार्टी से इनका दिल टूटा हुआ है, जो भी हो आपके कनेक्शन में कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी, ठीक है। और इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपसे दूर जाने का और आपके साथ गलत करने का, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद ये फेस कर रहे हैं टावर, ठीक है, ये फेस कर रहे हैं टावर। हम एंजल की गाइडेंस लेके रीडिंग को करते हैं स्टॉप। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, एंजल्स आपसे कह रहे हैं नेगेटिविटी को रिलीज करिए। ओ गॉड, इस रीडिंग में भी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है, इस रीडिंग में भी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज निकल कर आया है गाइस। ये कार्ड बहुत आ रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव करिए, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन का टाइम है ये, और नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट आ रहा है। सो आपको जरूरत है इस टाइम इस स्टार्ट को वेलकम करने के लिए, ठीक है, चेंज के लिए रेडी रहिए गाइस। चेंज तो आ रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, और जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं वो जरूर से जरूर पॉसिबल होंगी। अपनी लाइफ में अपने एक्शंस को लेते रहिए,
क्योंकि यही है जो आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं आने वाले टाइम में. सो आपको एक्शन लेना बंद नहीं करना है. बाकी सब डिवाइन पर छोड़िए, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा. सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज.